ये जो टूरिज्म का यह मसला है थोड़ा सा, क्योंकि हम टूरिज्म में ही काम कर रहे हैं, लोकल हम यहाँ के नहीं, शेखपुरा के, जो यहाँ पे नाइट स्टे करने नहीं देती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारे टूरिज्म टूरिस्ट आते हैं बाहर से, गुरेज को एक ऑफ बीट डेस्टिनेशन गोल्ड अवार्ड भी मिल गया उसको देखने के लिए। तो सर बदकिस्मती है कि हमारे सब जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी काम ही नहीं कर रही, कॉपरेट ही नहीं कर रही, जैसे कि हमारे गुरेज सेक्टर साहब हैं जहाँ पे हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे वो उनको सपोर्ट कर रही है वहाँ की यूथ को, लेकिन यहाँ की यूथ को सपोर्ट ही नहीं कर रही है। सर हम खुद बहुत गुजारिश करते हैं आपके चैनल की वसाबत से, क्योंकि हमारे सब कॉपरेट कीजिए, ना इंसाफी मत कीजिए, गुरेज को आप अलग बांट रहे हो और तिलेल को अलग कर रहे हो। तो सर यही इशू है कि हमारे नाइट स्टे नहीं होता है, कैंपिंग है यहाँ वहाँ लगी है, हजारों टेंट लगे वहाँ पे नाइट स्टे, यहाँ पे कौन से इश्यूज है? हमारे जेके टूरिज्म है उसने इसको ऑलरेडी शेखपुरा तिलेल को टूरिज्म में टूरिज्म प्लेस करार दिया है, लेकिन बदकिस्मती है सर हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे सब कॉपरेट ही नहीं कर रही। हालांकि गुरेज की यूथ ये अलग तहसील तिलेल पर में पड़ता है शेखपुरा, जो हमारी जो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है गुरेज को बूस्ट कर रही है टूरिज्म में, उसको बहुत ही रास्ता खराब है, ये है वो, नाइट स्टे नहीं हो, तो कहाँ से टूरिज्म बढ़ेगा? हम सब पढ़े लिखे अच्छे जवान है, पढ़े लिखे हैं बहुत, पढ़े हैं हम भी, अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं लेकिन पढ़े ठीक ठाक है सर। नौकरी तो आपको पता ही, हमारा रिजर्वेशन का तो 0 पॉइंट हो गया ये एसटी का, लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं जाके कहीं पे अपना दिन गुजारे, जहाँ पे थोड़ी बहुत कमाई हो हम भी कुछ अपना सेटअप करें। अब टूरिज्म के साथ मैं 4 साल से वाबस्ता हूँ, मैं एक्सपोर्ट करा रहा हूँ गुरेज लेल को, लेकिन बदकिस्मत ये सर सपोर्ट ही नहीं है पीछे से एडमिनिस्ट्रेशन का, क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2-3 साल से थोड़ा टूरिज्म का ये हुआ है कि हमने अपनी कैंपिंग साइट भी लगाई है और हमारे यहाँ होम स्टेज भी होते हैं, फिर जब गुरेज को टूरिस्ट आ रहे थे तिलेल में क्यों है सर ये ना इंसाफी? सर हमारा जो गांव में मकान है वो कम से कम 100-150 साल पहले के ही, जो हमारे दादा परदादा ने बनाए थे उनने मिट्टी की लिपाई करके है, और हमने अभी फ्यूचर में उनको थोड़ा सेटअप किया है अंदर से, और हम इन्हें होम स्टे करवाते हैं और अच्छी रेंट में देते हैं। ऐसा नहीं कि टूरिस्ट को हमारी वजह से तंगी हो जाए हमारे रेंट से, हमारे कल्चर से। हमारा कल्चर जो है सीधा साधा है, हम यहाँ से आर्मी पुलिस प्रोड्यूस करते हैं, टूरिस्ट के लिए ट्रेकिंग वगैरह सब मिलता है। मगर सर पिछले 4-5 दिन से यहाँ पर टूरिज्म को रोका जा रहा है, ये शेखपुरा जो एरिया है इसको टूरिज्म का एरिया करार दिया गया है, मगर बदकिस्मती की वजह से जो हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ये हमारे साथ कॉपरेशन नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से हमारे रोजगार में कमी आ रही है। हम आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को गुजारिश करते हैं कि जो भी रुकावटें हैं यहाँ पे वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और यहाँ के जो यूथ्स बेरोजगार बैठे हुए हैं इसी टूरिज्म की वजह से हम अपना पैसा कमा रहे हैं। काम तो ठीक ठाक चला जून में, लेकिन जुलाई में बदकिस्मती की वजह से यहाँ पे नाइट स्टेज कम हो रही है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं यहाँ पे जो भी इश्यूज है, जैसे सबसे बड़ा इशू हमारा रोड का है, रोड बिल्कुल साफ नहीं है। जिस परसों में अपने नॉन लोकल टूरिस्ट से बात कर रहा था वो बोल रहे थे यहाँ पे जो रोड है वो बिल्कुल साफ नहीं है, इसकी वजह से टूरिज्म जो है वो रुका हुआ है, और हम आपकी वसादत से डीसी एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश करते हैं कि तिलेल का रोड है जो है उसको बिल्कुल साफ किया जाए, ताकि यहाँ टूरिज्म का फ्लो जो है वो बढ़ जाए।